शिव विभूति खटबांग विभूति व्याल कपाल गंग अरुभूति आसन टाट धरी तन कफनी साई साधे माया नटनी साई शिव संपत्ति के दाता आत्मक्रीड परमानंद राता स्वात्मा राम विषय नहीं भा। अब बाबा जी को स्नान करवाएंगे, कपड़े पहनाएंगे और बाबा जी का ये ज्वेलरी है ये नहला के कपड़े पहना के फिर पहनाएंगे। ये बाबा जी हमारे हैं, ये तो बाबा जी का स्नान करवा के हमने बाबा जी का श्रृंगार कर दिया है। ये हमारे बाबा जी हैं, ये छोटे बाबा जी हैं, ये माता रानी है, विष्णु भगवान जी हैं, ये देखो सारे देवी देवता हैं हमारे मंदिर में, गणेश जी महाराज, राधा कृष्ण जी, आज हम बना रहे हैं पोहा। इसमें हमने ऑयल डाल दिया है, ठीक है। ऑयल डालने के बाद हम थोड़ा सा डालेंगे ये राई, ये हमने थोड़ी सी राई डाल दी है, इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। पोहे की तैयारी कर ली है, ये हमने दो प्याज काटी है, दो टमाटर काटे हैं, ये हमने थोड़ा सा मसाला निकाला है, हल्दी मिर्च धनिया और नमक, और ये थोड़ी सी हरी मिर्ची डाली है लंबी लंबी काट के, ये बहुत अच्छी भी लगती है खाने में। और ये हमने बनाया है थोड़ा सा पोहा, इसको पोहे को जब हम धोएंगे हल्का सा जब हमें डालना होगा, क्योंकि नहीं तो ये गल जाएगा। तो ये हमारा राई होके तैयार हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे प्याज। हमारा प्याज भून चुका है, ये देखो मिर्ची भी भुन चुकी है और प्याज भी भुन चुका है अच्छे से। अब हम इसमें डाल देंगे ये मसाले, ये हमने मसाले डाल दिए हैं, और साथ में हम डाल देंगे ये कटे हुए टमाटर। हम इसको अब हम इसको दो मिनट के लिए ढक देंगे। अब ये दो मिनट अच्छे से टमाटर पक जाएंगे और मसाला भी अच्छे से भुन जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे हम पोहा। तब तक हम पोहा को धो लेते हैं। पर पोहा धुल चुका है, इसको हमने धो लिया है अच्छे से, और हम इतनी देर में देखते हैं हमारा मसाला रेडी हो चुका है। ये देखो हमारा मसाला टमाटर अच्छे से मिक्स हो गए, ये देखो ठीक है। अब हम इसमें पोहा डाल देंगे, अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। धनिया सूख गया था, रात को ही लेके आई थी, तो ये सूख गया है, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा खुशबू आ जाएगी। ये मैंने डाल दिया, मैं इसको मिला देती हूँ। अब ये बन के रेडी हो गया है, ठीक है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और ये खाने में भी बहुत अच्छा है। आप ऐसे बना के खाओगे तो बहुत टेस्टी लगेगा आपको। ये देखो ये बन चुका है। अब इसमें मैंने ये एक लेमन काट के रखा हुआ है, इसको मैं इसमें निचोड़ दूँगी। जिसको ज़्यादा खट्टा खाना है तो दो भी डाल सकते हैं, बट मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है खट्टा,
इसको मिक्स कर दें। अब ये पोहा रेडी हो गया है खाने के लिए, प्लेट में डाल दिया है मैंने, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ और डालनी है मुझे, मैं दिखाती हूँ क्या डालना है मुझे। ये देखो इसमें ये आलू की भुजिया डालनी है, जो नमकीन होती है आलू की भुजिया, तो वो मेरा बेटा इसको डाल के खाता है, तो मैं इसको ऊपर से डाल देती हूँ, थोड़ी टेस्टी लगती है इस तरह से। हम डालेंगे मिर्च का अचार, सिंपल सा होता ही अचार बट खाने में बहुत टेस्टी होता है, तो हम इसको आज डालते हैं। है अब हम इसमें मसाला भर के थोड़ी देर में रख देंगे, तब तक ये सूख जाए थोड़ी सी, क्योंकि ये अगर भीगी भीगी रहेंगी तो ख़राब हो जाएंगी। चलो तरबूज तो अच्छा निकला है लाल, सोच रही थी पता नहीं ख़राब ना निकल जाए, अगर लाल नहीं निकलता तो पता नहीं खाने में कैसा होगा ये। पुनीत तरबूज खाना है तो आ जाओ। भैया तेल नहीं तत्ता है तो नहीं तेल तत्ता है तो नहीं तीन पहला तत्ता है भैया, मैं दादा ताकता हूँ। सब्जी बन गई है, ये बनी है ग्वार की फली। क्या कर रहे हो? बोर हो रहे हो? बोल रात हो गई है, सुनसान पड़ी है गली। चलो गाइस अब वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाना, इससे नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी आ जाए। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।